लेबल फ्रॉम वन टू एन ठीक है जी यूर ऑल्सो गिवन टाइम्स ए लिस्ट ऑफ ट्रेवल टाइम्स एज ए डायरेक्टेड एज और उसके अंदर तीन चीजें होंगी ठीक है यू आई वी आई एंड डब्ल्यू आई अच्छा यू आई वी आई का क्या मतलब है कि मैं यू आई से वी आई की तरफ गया और डब्ल्यू आई का मतलब है कि मैं इतनी देर में गया ठीक है

सेंड सिग्नल फ्रॉम ए फ्रॉम अ गिवन नोड के ठीक है हम एक नोड से एक सिग्नल भेजेंगे और हर डायरेक्शन में भेजेंगे ठीक है सो रिटर्न द टाइम इट टेक्स फॉर ऑल द एन नोड टू रिसीव द सिग्नल इफ इट इज पॉसिबल फॉर ऑल द एन नोट टू रिसीव द सिग्नल ठीक है इफ इट इज इम्पॉसिबल टू टू इम्पॉसिबल फॉर ऑल द एंड सिग्नल रिटर्न माइनस वन ठीक है तो सबको कितनी देर में सिग्नल पहुंच गया यह आपने बताया ठीक ओके एवरीबडी अंडरस्टैंड सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने ये दे रहा हूं अगर ये मेरे पास एग्जाम्पल है अगर मैं टू के ऊपर

पहले पहले इवेंट के ऊपर पहले टाइम के ऊपर ये इन दोनों पसीवल पहुंच जाएगा और दूसरे अभी तक अनएक्सप्लोर्ड चीजें हैं तो फिर अगले लेवल पे इस पे पहुंच जाएगा एंड वे डन सिर्फ वेट को किस तरह काउंट करेंगे इसमें किसको वेट को हाँ जी आप बताए ना वेट काउंट करेंगे वेरी गुड क्वेश्चन bfs की पर कॉल पे हाँ bfs की हर कॉल के ऊपर लेकिन इशू पता क्या है इशू ट्राई टू अंडरस्टैंड इशू नेक्स्ट टाइम इसमें इसमें क्या bfs होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए दैट्स द क्वेश्चन क्योंकि है ना ये जो एजेस के ऊपर अगर वेट सिर्फ 1 है ना फिर तो तुम्हारा सलूशन बिल्कुल ठीक है जो हारिस आपने अभी जो कहा है ना कि मैं bfs चला देता हूँ वो बात बिल्कुल ठीक होती वो बिल्कुल ठीक होती अगर मेरे पास अगर मेरे पास क्या होता अगर मेरे पास क्या होता आ, ग्राफ। अगर अनवेटेड ग्राफ होता फिर तो बात ठीक थी लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वेट थ्री है यहाँ पे वेट थ्री होता इस लेफ्ट वाले के यार ये कॉपी कैसे होता है सो लेट मी कॉपी और मैं पावर पॉइंट चलाता हूँ मैंने पावर पॉइंट चलाया अभी हाँ ये पावर पॉइंट चलाया सो लेट मी लेट मी मेक ए न्यू बन ब्लैंक और इसका बैकग्राउंड हम सेट कर देते हैं ब्लैक बिकॉज आई लव ओके जी ये कर दिया और यहाँ पे हमने तार डाल दिए ठीक है अच्छा इसके ऊपर मैं कंट्रोल भी कर देता हूँ हाँ जी हम अगर इसकी बात करें <coughs> सो प्रॉब्लम नंबर वन है ना मैं इसको यहाँ कर हम और भी जनरेट कर सकें सो लेट्स हाँ आप बताए हारिस अभी जो, जो आपने बात की है मैं उसी से शुरू करता हूं बी एफ एस एक्सप्लोरेशन शुरू करते हैं अगर ठीक है ना तो ये क्या करेगा ये यहां से शुरू करेगा जो आपको के नोट दिया हुआ ठीक है और अभी तो तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक लगती है वो क्या कि वो फर्स्ट इवेंट पे वो इन दोनों तक पहुंच जाए ठीक है ये पहला पहली लेयर हो गई ना और फिर क्या होगा फिर अगली लेयर तो यहां पहुंचेगा मैं दो सेकंड में पहुंच गया ले लेकिन अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ग्राफ ऐसा होता ये जो नोड है इसके ऊपर वेट होता कितना लेट्स से 20 यहां होता 1 यहां होता 1 ठीक है तो तुम क्या आंसर दो दे देते सर उस केस में हम फिर पर बीएफएस सम मैक्सिमम एक स्टोर कर लेते शायद तो बेसिकली अगर आप देखें हर एक के ऊपर मैक्सिमम स्टोर करना पड़ता है एसेंशियली इसका मतलब क्या है वेरी फेमस एल्गोरिदम जिसका हमें पता है वो यही काम करता है जी हाँ जी, क्या था? इसका नाम? जी, देज़िक्ष्टर। देज़िक्ष्टर। जी, देज़िक्ष्टर। देज़िक्ष्टर। ठीक है ना तो बेसिकली इस जिस नोड जो तुम्हें के नोड दिया हुआ है उसके ऊपर कर दो ठीक है ना तो जजक्षत्रा ने जितना टाइम लिया आखिरी एलिमेंट जब तुम निकालोगे जब आखिरी एलिमेंट तुम निकालोगे तो वो आखिरी एलिमेंट ये निकलेगा तो उसके ऊपर जो भी वैल्यू होगी डिस्टेंस की वो डिस्टेंस तुम्हारी असल में वैल्यू है दैट्स द टाइम यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर डज इट मेक सेंस ठीक है और आई थिंक इसमें दिया हुआ है कि द वे एजेस आर ऑल पॉजिटिव तो ये देखिए ना इडो टाइम इडो w की वैल्यू दी हुई है वो सारी की सारी जीरो से लेकर कहां तक हो सकती है हंड्रेड तक हो सकती है ठीक है ना तो सारी पॉजिटिव वैल्यूज है नेगेटिव वैल्यूज तो है ही नहीं तो प्रॉब्लम ही नहीं है ठीक है डज इट मेक सेंस जी सर्फाज हम ऐसा कर सकते हैं बीएफएस में ही हर ब्रांच पे मैक्स देखते जाएं और उसमें ऐड करते जाएं यार तुम फिर वही डाइजेस्ट्रा ही कर रहे हो ना पूरा असल में बीएफएस ही है डाइजेस्ट्रा बीएफएस ही है लेकिन बस ये है कि हर ब्रांच में वो मिनिमम उठा के लाता है सरनीनी तुम क्या कह रहे हो कि मैं मैं बीएफएस एक्सप्लोर कॉल कर देता हूं और उसके अंदर हर एक के की वैल्यूज को मैं अपडेट कर देता हूं लेकिन ऐसे हो सकता है ना ये देखो ये देखो एक तस्वीर है ये यहां से एक और नोड है जो यहां पहुंचता है ठीक है और यहां से भी एक नोड है जो, जो जाती है अब ये बीस और यहां पे पांच लिखा हुआ था और यहां पे से दो लिखा हुआ था तो इस पे सिग्नल कौन कैसे पहुंचेगा इस पे सिग्नल कितनी देर में पहुंच जाएगा बताए इस पे सिग्नल कितनी देर में पहुंच जाएगा तो शॉर्टेस्ट टाइम वाला होगा शॉर्टेस्ट टाइम वाला होगा ठीक है और इस तरह इवन ये भी हो सकता है कि यहाँ से ये यहां जा रही हो और ये वन की है जो ये तो उसको टू में अपडेट कर देगा सिग्नल बता देगा ठीक है मेक सेंस तो फिर तुम्हारी बात वैलिड नहीं है नॉथन डू यू एग्री जी सर ठीक ठीक है, सो है, शाबाश, so, ये अब हो जाएगा सवाल ठीक है, है अच्छा और बात थोड़ी सी वो ये, आपको ना एप्रीशिएट करना चाहिए वैसे, ये ये जो जो वालों ने ना लुक एट दिन आइडिया ऑफ दिस वैक्टर ऑफ वैक्टर ऑफ रिप्रेजेंटेशन इंटीजर रिप्रेजेंटेशन अब देखो ये वेटेड ग्राफ को भी उसी में रिप्रेजेंट कर रहा है और उसमें

ठीक है तो आप अपनी ग्राफ की डेफिनेशन यूज कर लें और ये कर दें क्योंकि हमें यहां पर प्रायोरिटी क्यू बनानी है तो प्रायोरिटी क्यू बनाने के लिए आपको आ, वो यूज करनी पड़ेगी नोड की क्लास बनानी पड़ेगी मोस्ट ठीक है तो फिर आप इसको बना दें ठीक है अच्छा प्रायोरिटी क्यू कैसे इस्तेमाल करते हैं आ, अगर आपको जरूरत पड़ जाए एस की तो प्रायोरिटी क्यू सी प्लस प्लस एस टी एल ये मैं आपको बड़ी मजेदार बताता हूं अच्छा इसमें ना क्या चीज है <coughs> अगर आपको कोई प्रायोरिटी क्यू चाहिए तो ना इसका बड़ा सिंपल सा तरीका है यहां पे आप प्रायोरिटी क्यू लिखें प्रायोरिटी अंडरस्कोर क्यू क्यू लिखें क्यू डॉट पुश करें क्यू डॉट पुश करते रहे क्यू डॉट पुश करते रहे बाय डिफॉल्ट वो जो प्रायोरिटी क्यू बनाता है वो कौन सी वाली प्रायोरिटी क्यू होती है मैक्स होती है मैक्स हीप होती है या बिन हीप होती है अगर मैं आपको बता दूं कि ये चार वैल्यूज उसने इंसर्ट की और अगर मैंने टॉप ऑफ से हासिल करने को कहा तो उसने सेवन दे दिया और फिर क्यू डॉट पॉप का मतलब एक्सट्रैक्ट में एक्सट्रैक्ट और फिर क्यू डॉट टॉप करने कहा तो उसने पांच दे दिया तो कैन यू गेस कि ये कौन सी प्रायोरिटी क्यू बना रहा है ठीक Max. Max, है ठीक है? <coughs> है और इसकी जो कम्प्लेक्सिटी होती है वो ऑर्डर लॉग इन होती है ठीक है डज इट मेक सेंस ठीक है तो इसमें आई थिंक अपडेट का फंक्शन भी शायद होगा आई आई एम नॉट श्योर कि होगा नहीं मेरे तो ख्याल होना चाहिए अगर उन्होंने घीपी इम्प्लीमेंट की हुई है तो और या फिर आप कोई भी इम्प्लीमेंटेशन उठा ले वो इम्प्लीमेंटेशन जिस तरह से हमने याद है वो एक्सटर्नल सॉर्ट में की थी तो वो वाली इम्प्लीमेंटेशन आप उठा लें मुझे कोई मसला नहीं ठीक है प्रोर्टी क्यू की अगर आपने यूज़ करनी हो ठीक है आप जनरलाइज प्रोवर्टी क्यू भी बना सकते हैं आ, लेकिन फिर उसके लिए ना एक आपको देखना पड़ेगा कौन सा फ, आपको फंक्शन अच्छा बाय द वे अगर मैंने इसको मिनिमम वाली बनानी हो तो उसके लिए उसका सिंटेक्स होता है सो लेट लेट मी मी सी तो उसको ना बताना पड़ता है मेरा फंक्शन ये है तो ये देखिए प्रायोरिटी क्यों बनाई हुई है आ, ये बाय डिफॉल्ट जो बनती है वो ग्रेटर वाली होती है ठीक है और आई थिंक यहाँ पर वो आ, अच्छा अब अगर हम करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर इसने क्या किया प्रायोरिटी क्यों लिख है यहाँ पे इसने ग्रेटर लिख दिया है ग्रेटर फंक्शन जो इंटीजर का होता है ये उसने पास कर दिया और अब इससे क्या होता है चला के देखते हैं ओहो, सो मैं गूगल ले लेता हूं और गूगल में ये वाला पास कर देता हूं और की हो गया नो no. स्किप कर स्कि आ गए बाय डिफॉल्ट प्रोर्टी क्यू मैक्सिमम बनती है और अगर मैं ये वाली बना दू साथ यहाँ पे क्यू ग्रेटर कह दू ग्रेटर देन का मतलब यह कि अगर ग्रेटर है अगर एक वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू ग्रेटर है नीचे वाली से तो उसे स्वैप कर दो तो इस केस में जो हमारी आउटपुट आती है वो ये आती है ठीक है डज इट मेक सेंस ठीक है ना ये सब कुछ समझ में आ रही है बात तो अब वो उठाएगा वो तो वो वन उठाएगा फिर फाइव उठाएगा ठीक है डज इट मेक सेंस तो उसके लिए आपका सिंटेक्स क्या है मैंने कहा है मैं इंटीजर्स की प्रायोरिटी क्यों बना रहा हूं बैक एंड पे सेव करो एक अरे में और जो कंपैरिजन का फंक्शन यूज करना है स्वैपिंग कंडीशन है वो ये है कि ऊपर वाले की वैल्यू अगर ग्रेटर है नीचे वाली वैल्यू से तो क्या कर दो स्वैप स्वैपर ठीक है अच्छा आई थिंक यहाँ पर कस्टमाइज भी होनी चाहिए प्रायोरिटी क्यू सो कस्टमाइज प्रोर्टी क्यू कैसे बनाते हैं सो कस्टमाइज क्यू 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 एस सी प्लस प्लस एस टी ठीक है इसके लिए क्या करना पड़ता है अगर मैंने ये तो वही लिंक है विद कस्टम कंपैरिजन हाँ ये रहा मेरा अच्छा इसमें अच्छा इसमें भी एरर दे रहा है तो यहाँ पे इसमें अच्छा इसमें करना क्या पड़ता है आपको ना कंपेयर फंक्शन बनाना पड़ता है और उसके लिए रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने फॉर एग्जांपल एक क्लास बनाई है आपको एक क्लास बनानी पड़ेगी उसके अंदर ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड करना पड़ता है और यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट होते हैं और आप क्या करें कि ये जो कंपेयर क्लास है ये भी आपको यहाँ पर पास करनी पड़ती है तो एक छोटी सी क्लास आपको बनानी पड़ेगी जो कि बेसिकली दो फूज के दरम्यान में यानी दो ये क्लास है ना जो जेनेरिक आपको बनाना चाहते हैं तो फिर एक और क्लास बनाए कंपेयर के नाम से और उसके अंदर ये वाला ऑपरेटर ओवरलोड होना चाहिए और इसके अंदर दो पैरामीटर पास और ये रिटर्न कर दे ट्रू या फ़ॉल्स कंडीशन क्या है स्वैप होने की वो बता दें आप ठीक है सर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पे बनाई है ओके शुड हैव वर्क्ड ये होना चाहिए कंपेयर फंक्शन स्टार्ट कंपेयर तो ये है अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना हो ठीक है ना तो ये a डॉट ये देखो नोड है ना ए डॉट डब्ल्यू इज लेस देन का मतलब है मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है और अगर ग्रेटर देन का मतलब है ये आप शब्द ट्राई करके देख लीजिएगा कौन सी वाली से चलना चाहिए ठीक है डज इट मेक सेंस ठीक है तो इस तरह से चीज करके आप कर सकते हैं ठीक है और परेशान नहीं होना ये कोई कोई को, इतनी कोई बला चीज नहीं है आपने उसका ऐसी कोई भी एग्जाम्पल पकड़नी है उसको जाकर देखना मैं लेट मी सी मुझे याद पड़ता मैंने एक और भी एग्जांपल देखी थी आई होप आई विल बी एबल टू फाइंड इट सर ये किधर यूज करने की बात कर रहे हैं ये ना बेसिकली जो हमने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करना है ये वाला इसमें तो मुझे डाइजेस्टर इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे प्रायोरिटी क्यों चाहिए ना नहीं तो मैं एक मिनट फोन उठा लूं हेलो इफ्तिखार मेरा पॉइंट ये कि अगर आपको इस इसकी प्रायोरिटी क्यों बनानी है जिसमें नोड होने चाहिए तो उसके लिए आपको तो क्योंकि अपडेट करना होता है ना तो जो अपडेट होगा जिसकी वैल्यू मिनिमम होगी वो टॉप पर आ जाएगा ठीक है तो उसके लिए आपको ये चाहिए ठीक है या फिर आप हीप की क्लास का जेनरिक खुद बना लें याद है हमने इधर बनाई थी इम्प्लीमेंट की थी एक्सटर्नल पढ़ा हुआ है तो आप ये इसने सी इम्प्लीमेंटेशन दी हुई है ये मिन हीप की तो आप उसको जेनेरिक टेम्पलेट के तौर पर बना दें ठीक है और वो लेस देन ऑपरेटर यूज़ करें तो इसको आप उठा सकते हैं उसमें आप लेस देन ऑपरेटर ओवरलोड कर दें ठीक है उसके साथ कर लें ठीक है सो उसमें क्या होता है ये रिप्लेस करते हैं मिन हीपीफाई करते हैं और मिन हीपीफाई क्या करता है वो जो ये, ये वाला ऑपरेटर करता है ना कि अगर उसकी वैल्यू क्या है आ, उसने उसका पेरेंट देखा और सॉरी ये रहा नहीं तो वो कहता है मैंने इसका स्मॉलेस्ट पकड़ा या अगर आ, लेफ्ट पकड़ा राइट पकड़ा को पहले हमने आई कह दिया और फिर हमने कहा कि अगर इसकी वैल्यू इससे छोटी है तो फिर स्मॉलेस्ट को एल कह दो वरना और फिर सीधा दोबारा से एल इस स्मॉलेस्ट को कंपेयर करो आ, ला राइट वाले के साथ और फिर स्मॉलेस्ट को ये कह दो ठीक है ना ये मिनिमम मिन ही बना रहा है ठीक है तो अब देखो ये लाइन तब चलेगी जब क्या हो यानी अगर मैं नोड के दरम्यान में अगर कंपेरिजन कर रहा हूं तो और नोड के अंदर मुझे यहां पे क्या यूज करना पड़ेगा नोड डॉट डब्ल्यू यूज करना पड़ेगा वाई डब्ल्यू क्योंकि यहां पे बेसिकली मुझे ये जो डब्ल्यू इस आई की इसकी बेस के ऊपर क्या करना है uh, sort, वो करनी है उसको ऊपर लेके आना जिसका टाइम या टाइम का ट्रिब्यूट रख लें जिसके शुरू में इनिशियल वैल्यू जो है इंफिनिट हो ठीक है और जैसे जैसे हम आगे चलते जाए उसके टाइम की वैल्यू को हम अपडेट करते जाए तो, तो वो ऊपर आता जाएगा ठीक है तो ये आपने देखना है। ठीक है जी ये सवाल होगा गया इसमें कोई सवाल इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बता दें या फिर आप खुद मेंटेन कर हो सकता है अगर आप प्रॉपर्टी क्यों नहीं यूज करना चाहते तो फिर आप फिर आपकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी एक अरे में से हर दफा मिनिमम निकालना है और मिनिमम मेंटेन करना है तो ये करने के लिए आपको फिर थोड़ा सा बड़ा काम करना पड़ेगा ठीक है आप चाहें तो वो भी कर सकते हैं मैप भी यूज कर सकते हैं क्योंकि मैप में जब इंसर्ट करते हैं तो सबसे मिनिमम वैल्यू कैसे हासिल करते हैं बता सकते मैप जो होता है वो क्या होता है मैप डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है याद है आपको जी इतनी दफा बताया मैंने लेकिन मैं दोबारा बताया था अगर आप एक तरीके का और हो सकता है वो ये होता है कि आप मैप बना लें मैप बना राइट मैप तो, ट्री, ट्री right. तो यहाँ पे आप एक इंटीजर रखते हैं ठीक है और यहाँ पे आप उसका नोड वैल्यू रखते ठीक है तो यहाँ पे हर एक का उसका टाइम आएगा ठीक है और यहाँ पे आप मैप रखते हैं ठीक है और बेसिकली आपने करना के, फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा तो आप क्या करेंगे कि यहाँ पर उसकी की वैल्यू आएगी यहाँ पे उसकी यहाँ पे उसका टाइम वैल्यू आएगी और टाइम तो की वैसे करेंगे कैसे करेंगे टाइम की बेस पे करेंगे तो मुझे ढूंढना भी तो है ना उसको तो क्या करना पड़ेगा आ, एक तरीके का और हो सकता है वो ये कि टाइम की बेस पे मैं इसका ट्री बना दूँ तो टाइम की बिज में बनाऊंगा तो सबसे मिनिमम टाइम वाला कहाँ पड़ा होगा लेफ्ट मोस्ट पोजिशन पर पड़ा होगा ठीक है ना तो मैं और वो कैसे निकालेंगे वो निकालते हैं एम डॉट बिगिन बिगिन करेंगे तो मुझे ये ये वाला दे ठीक है तो वो जो भी है वो मुझे मिल जाएगा ठीक है लेकिन इशू ये है कि आपने क्योंकि अपडेट्स करने हैं तो अपडेट ढूंढने के लिए कैसे फॉर एक्साम्पल यहां से एक नोट था जिसकी टाइम की वैल्यू सबसे छोटी थी यानी टी की वैल्यू जीरो थी अब इससे बाकी सारों की की वैल्यू इंफिनिट थी फॉर एग्जाम्पल तो आपने बाकियों के टाइम जो है वो अपडेट भी करना है तो मैप के अंदर आप एक्सेस कैसे करेंगे तो चेंज करने है। तो फिर वो है, फिर आपको एक और मैप बनाना पड़े जिसमें उसके पॉइंटर सेव हो और फिर वहां से आप या उस मैप में जाए वहां से फिर इधर तो मैप में जाए तो आपको टू वे कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी ठीक है तो थिंक अबाउट दैट बाई और मैं आपको एक और बात भी बता दूं कि इसके अंदर इसका सोल्यूशन भी बताया हुआ है मैंने देखा तो नहीं है लेकिन मुझे मेरा ख्याल है उससे भी उसने किया है लुक दैट और फिर उसने आई थिंक ये सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन जो है उसने ड्रा भी की है उसके साथ इम्प्लीमेंटेशन की है और तीसरी इम्प्लीमेंटेशन भी हुई है आ,

कि यहां से यहां गए फॉर एग्जाम्पल यहां से यहां गए यहां से यहां गए और हम कहते हैं जिस चीज के ऊपर जाता जा रहा है उसके उसको उसका वो विजिटेड ट्रू करता जा रहा है ना ठीक है लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होना यहाँ कैसा होना यहाँ पर ताँग तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल टाइम की वैल्यू टू थी प, 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 पांच थी यहाँ पे दस थी यहाँ पे दो थी तो यहाँ पे पहले टाइम सेट हो जाएगा पांच यहाँ पे सेट हो जाएगा पंद्रह यहाँ पे हो जाएगा सत्रह ठीक है लेकिन अब एक और वर्टेक्स आया यहां पर ठीक है ना अब यहां से भी यहाँ पे जा सकते ठीक है ना तो से पे जाएंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा जी तो क्या करेंगे यहां से ये वन है और यहां पर तो यहां पर आया यहां से फिर यहां पर चलेगा ठीक है ना बट आई बिलीव दिस विल बी टू कॉस्टली टू कॉस्टली टू कॉस्टली इन सेंस कि क्योंकि अब अनएक्सप्लो अनएक्सप्लोर्ड वर्टेक्स दोबारा वर्ट जा सकता है एग्जिट हो सकता है है ना तो जिसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि मेरे ख्याल में मेरे पास जो कम्प्लेक्स है ना याद है पहले डी एफ एस सी कितनी थी पहले डी एफ एस सी कितनी होती थी वी प्लस ही होती थी है ना अब ऐसा हो सकता है कि हर पाथ ही जाकर अपडेट करे

वो ऐसे करेंगे कि देखो ना इसके ऊपर फाइव सेट हुआ हुआ है और इसके ऊपर यहाँ पे वन सेट हुआ और वन से यहां पर आया वो अब वन प्लस वन कितना हो गया टू हो गया तो वो जिसके ऊपर पहले तो हम डी एफ एम देख सकते वो विजिटेड है या नहीं अगर वो विजिटेड है तो वहां पर एक्सप्लोर कॉल दोबारा नहीं होता लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज ये करेंगे कि वन प्लस वन करके वो चेक करेगा इसकी डिस्टेंस की वैल्यू कितनी है क्या इसकी डिस्टेंस की वैल्यू अपडेट हो रही है हाँ जी डिस्टेंस की वैल्यू अपडेट हो रही है अगर अपडेट हो रही है तो क्या करें उसको अपडेट कर दे मैं नहीं, नहीं पूछ रहा हूँ उसमें एक पार्ट कि एक के सब को करना पॉसिबल है कि नहीं हाँ वो तो बड़ा आसान ना वो तो डी एफ में फॉर एग्जाम्पल तुम कर रहे हो डेस्ट्रा पे कर रहे हो तो डेस्ट्रा चलाते, जो, चलाते जो, अगर वो, अगर कोई भी वर्टेक्स आपने निकाला है बाहर तो अगर प्र, प्र के के केस में, अगर आप कोई ऐसा वर्टेक्स बाहर निकालते हैं जिसका डिस्टेंस इंफिनिटी है ये आपकी क्यू थी ना

जी इसका हम टाइम निकालने के लिए इसको ऐसे सोच सकते हैं कि जो पहले विजिट हो गया है बाद में आने वाला हमेशा हर केस में उससे कम टाइम पे होगा तो जो हाँ। विजिट पार्ट है वो ही दोबारा विजिटेड होगा हो सकता है हाँ मैं भी कह रहा हूँ विजिटेड पार्ट ही दोबारा से विजिटेड हो सकता है विजिटेड पूरा पार्ट दोबारा दोबारा विजिट होगा तो ये तो स्क्वायर नहीं बनेगा स्क्वायर नहीं बनेगा क्योंकि वो हर लेवल पे दोबारा से हो सकता है ना देखो ना या मैं मैं यहां से यहां गया यहां से मेरे पास दोबारा से ऑप्शंस थी ठीक है ना और फिर यहां से दोबारा से ऑप्शन थी तो वो बेसिकली हर पार्थ ही उसने यहाँ पर जाना है फिर इस डेप्थ में जाना है फिर उसने दोबारा से इस डेप्थ में आना है वो हर दफा बहुत ज्यादा चेंजेज होते जाए तो ट्राई टू थिंक अबाउट दैट ठीक है थोड़ी सी बड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल बना के ना देखना वो एन स्क्वायर से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरा ख्याल है एन स्क्वायर से ज़्यादा हो जाएगा बट आई एम नॉट श्योर इसमें देखें इसने क्या कहा कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनती है सो uh, सॉल्यूशन so में जाते हैं इसकी ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी इसने लिखी नहीं है सर गुरु देख रहे हो ये कितनी हो गई कितने लिखी हुई है इसने कॉम्प्लेक्सिटी हाँ जी कितने हो ये n n टू द पावर n वो इसलिए हो रही है n टू द पावर n क्योंकि वो बहुत ज्यादा दफा हो सकती है ठीक है ठीक है ना विच इज टू मच विच इजियरेबल और इसीलिए हम डर के जाएंगे और चले जी अच्छा ये काफी मजे का प्रॉब्लम है ये मुझे इस पर काफी देर लगी फिर मैंने इसका सोल्यूशन ही देखा तो मुझे आइडिया फिर आ ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम था अच्छा इसका प्रॉब्लम का, का नाम है इस प्रॉब्लम का नाम है कपल होल्डिंग हैंड्स अच्छा इसमें ना इसमें है क्या अच्छा ये सवाल पहले पढ़ लें आप फिर मुझे कुछ समझाए कि प्रॉब्लम क्या है प्लीज ये पहले समझ ये मुझे बताएं फिर सवाल क्या है आराम से पढ़ें और फिर मुझे बताएं क्या? सवाल क्या है बहुत आसान सवाल है सॉर्ट करना है सिर्फ सॉर्ट करना है मतलब कुछ स्टेप्स में जहां पे वो डिसऑर्डर आएगा बिल्कुल भी सॉर्ट नहीं करना सॉर्ट और... ये सवाल क्या है सवाल ये बेसिकली कि ये ना कपल्स बने हुए हैं और उसमें बेसिकली जीरो कपल है वन से वन कपल टू कपल और ना ترتیب से होना चाहिए ترتیب का मतलब सिर्फ ये वो जीरो और वन कपल है टू और थ्री कपल है ठीक है ना अब टू और थ्री को साथ बैठना चाहिए ठीक है जीरो और वन कपल है और टू और थ्री कपल है तो so, वो कहना ये चाह रहा है अच्छा वो, वो कहना सिर्फ ये चाह रहा है सो लेट मी चेंज द कलर सयान कर देते आई लाइक दिस अच्छा वो ये कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक ये अरे है नंबर है जीरो वन और छः और नंबर तो ये पांच है फोर और फाइव है और टू और थ्री है मुझे बताओ कि कोई स्वैप करने की जरूरत है यहाँ पे क्यों क्योंकि ये और ये कपल है ये और ये कपल है और ये और ये कपल है तो इस केस में मुझे कोई भी स्वैप करने की जरूरत नहीं शावेश आपको समझ में आई बात कि? इसमें कोई शॉर्टिंग की जरूरत नहीं है जी सर आगे समझ ठीक है ना उन्हें हाँ हाँ क्या करेंगे दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन गुड अप्रोच कॉम्बिनेशन कैसे बनाएंगे मसला है कि ये टू थ्री या थ्री टू मैटर नहीं करता फोर फाइव या फाइव फोर मैटर नहीं करता बस ये सेम है है हाँ ना तो क्या करना चाहिए दैट्स द क्वेश्चन मुझे लग रहा था कि ये बहुत मुश्किल प्रॉब्लम है लेकिन ये और नहीं निकला वेरी नाइस आइडिया मैं आइडिया बताता रहा हूँ क्या, तो क्या करें काउंटिंग ही करनी पड़ेगी लेकिन कैसे काउंटिंग करें सवाल ये है। मैंने मिनिमम नंबर number... अच्छा बाय एक और भी एग्जाम्पल ले लेते फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ये लिखा हो जीरो टू जीरो टू वन थ्री हो तो जीरो टू वन और थ्री हो अब क्या करें इसमें कितने स्वैप करने पड़ेंगे हाँ? क्या जीरो को यहां पर वन चाहिए था है हाँ? ना तो मैं वन देखता हूँ वन को जाके स्वैप कर देता हूँ ठीक है तो ये हो जाएगा जीरो वन और ये हो जाएगा टू और ये थ्री अब स्वैपिंग की जरूरत है नहीं है तो कितने स्वैप दरकार हुआ इसके अंदर एक दरकार हुआ ठीक है तो यहां पर आंसर आपको एक नंबर आ रहा है ठीक है जी इसमें कोई स्वैप चाहिए था थ्री टू जीरो वन नहीं नहीं कोई स्वैप भी नहीं चाहिए ठीक है ना ये समझ में आगे बात अच्छा अब मैं ना आपको एक मिनट में थोड़ा सा लेट मी शो यू द डिस्कशन इसमें एक बच्चे ने बड़ा जबरदस्त जबरदस्त आर्टी बताया आई थिंक दिस इज नहीं दिस इज नहीं वेट मिनट उसने यहाँ पे एक सोल्यूशन बताया वेरी ब्यूट आइडिया एंड लुक एट दिस और आई थिंक इसके बेहतर सोल्यूशन भी होंगे वो आप खुद देख लीजिएगा ये जो उसने आइडिया बताया ना कहता है लेट से मेरे पास ये ये एक सैंपल रे दी हुई है ठीक है अब मैंने इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल काउंटिंग कर दी अच्छा मुझे ना लिखवाते जाए क्या है वन फोर जीरो बात क्या है फाइव एट क्या Seven, six, six, three, two, nine. Three, two, nine. है सेवन सिक्स थ्री टू नाइन थ्री टू नाइन ठीक है अच्छा वो क्या करता है वो ऐसा मजे का काम करता है वो कहता है यार देखो कपल्स कौन कौन से वन है और जीरो है है ना फिर कौन सा टू है और थ्री है और फोर है और फाइव है है ना? और फिर क्या है सिक्स है और सेवन है ठीक है और ऑफ कोर्स एट है और नाइन है जिनके ना नाम ले लेते हैं नाम इन सेंस वो कहता है ये मेरा कपल नंबर वन है तो मैं इसे कह देता हूं ये मेरा वन वन है ये कपल नंबर टू है इसका ऑर्डर तो मैटर नहीं करता तो मैं कहता हूं उसको कर देता हूं टू टू और ये क्या है ये फोर फाइव इसको मैं कर दूंगा थ्री जी ये कपल नंबर थ्री है क्योंकि उनकी आइडेंटिटी तो मैटर नहीं करती और ये क्या है कपल नंबर फोर फोर है और ये कपल नंबर फाइव फाइव है तो आप बताएं ये अरे क्या बन जाएगी जी बताएं ये अरे क्या बन जाएगी ये वन 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 सारे प्लीज यार ये को टीवी चला है बंद कर दो यार प्लीज तो प्लीज वो बंद कर दो और प्लीज कोशिश ये करें कि आप ऐसे कमरे में बैठा करें इस तरह का शोर ना हो रहा हूं फाइव बेटा क्या है फाइव भी थ्री है एट क्या है एट इज फाइव सेवन इज फोर सिक्स इज फोर उसकी वादा करें ये थ्री है थ्री थ्री का क्या है थ्री का दो है और टू का क्या है टू का भी दो है नाइन का क्या है वो कहता है अब मैं इस अरे की जगह ये अरे मेरे किसी काम की नहीं है बेसिकली मुझे यहां देखना है क्या मुझे कपल की फॉर्म में स्था मुझे कपल की फॉर्म में देखना है और बेसिकली मुझे देखना ये है कि क्या करूं मैं दोनों सिमिलर नंबर्स को एक साथ ले आए बिल्कुल दोनों सिमिलर नंबर को एक साथ ले आए दैट्स द टारगेट आई वांट टू डू तो मैं लेफ्ट टू राइट स्कैन करता हूं जी देखें जी ये वन है और ये थ्री है क्योंकि ये इससे मैच नहीं करता मैंने पेयर पेयर की फॉर्म में देखना है क्योंकि ये मैच नहीं करता तो मैं इसके ये वाली वैल्यू ढूंढता हूं जहां पर भी आपसे को स्वैप कर लेता तो ये क्या हो जाएगा ये वन हो जाएगा ये वन हो जाएगा थ्री यहां चला जाएगा ठीक है डज इट मेक सेंस आप क्या करें

हाँ जी बताएं हम यहाँ पे फाइव ले आते हैं यहाँ फोर हो जाएगा और यहाँ पे टू हो जाएगा यहाँ पे टू हो जाएगा ये मैंने पूरा नंबर लिखे कोई मिस तो नहीं हो गया और मैंने क्या किया फाइव फाइव यहाँ पे फोर आएगा यस यू राइट ठीक है अब क्या होगा ये भी ये भी हो गया यहाँ आता है वो ये और ये वो एकता है। तो दो स्वैप हो चुके हैं हाँ जी और बताएं अब कितने स्वाइप और बाकी करने वाले हैं तो किसे स्वैप कर दे ये फोर है तो इसको फोर वो वो फोर को उठा के लाते हैं और यहां से स्वैप कर देता है तो ये यह क्या यहां पर, यहां पर, यहां पर यहां फोर फोर और ये हो जाएगा टू फोर तो कितने स्वैप करने पड़े तीन स्वाइप करने पड़े एन वी डाल ठीक है समझ में आगे बात ठीक है सिर्फ ये है मेरा मैं, I don't know कि ये बात ठीक है ये जो टेक्निक्स ने यूज किया है क्या कि ये परफेक्ट आंसर करती है दैट्स दिन अबाउट ठीक है और आपको उसका आर्गूमेंट देना है क्यों क्यों ये बात ठीक है ठीक है

तो आपसे पूछा ये क्या इसको टैक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप यूनियन फाइंड से भी कर सकते हैं या आप इसको ग्राफ बना कर उसमें बी एफ एस से भी कर सकते हैं ठीक है ना जैसे भी आपको अच्छा लगे टू कलरिंग करती जाए बी एफ एस करते हुए ठीक है तो अगर ऑड साइकिल अगर नहीं आता तो उसको मतलब है ये ठीक है चले लेट्स टेक विद अ फाइव टू टेन मिनट्स ब्रेक उसके बाद हम क्लास शुरू करते हैं ठीक है सो आई वाज एबल टू टू डिस्कस ओनली थ्री प्रॉब्लम्स मेरे काफी ज्यादा uh, पेट में दर्द हो रही है तो मैं तो मैं uh, आगे नहीं पढ़ सका ठीक है आई एम रियली सॉरी फॉर दैट तो मैं प्रोबली या तो कल मैं शाम को कोई सेशन ले सकता हूँ uh, अच्छा यार एक बात बताओ आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग कुछ कहेंगे कि सैटरडे को सर सेशन हो रहा है या नहीं हो रहा किसी ने कुछ कहा ही नहीं सिर्फ किया उधर द गवर्नमेंट दे अच्छा तो फिर तो तो मैंने भी कहा यार आप लोग अगर इंटरेस्टेड ही नहीं है तो मुझे लेना ही नहीं चाहिए क्या जरूरत तो है खामो खामो में पोस्ट फिर मैंने पोस्ट के नीचे कमेंट किया था प्लान ही है अच्छा तो आप में से कोई पूछ लेता यार मतलब फोन करके